Welcome to Blind Tech Information Podcast. सब्सक्राइब करें हमारे Blind Tech Information चैनल को और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें क्योंकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। थैंक यू। दोस्तों, आ गया है कमेंट्री स्क्रीन रीडर का पार्ट 6। तो ये सीरीज कैसी लग रही है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप लोग देखिए, कमेंट तो करते रहे, मैं आप लोगों से कुछ भी पूछता हूँ, आप लोग उसका मुझे आंसर नहीं करते हैं। मुझे इस बात का बहुत दुख है। आखिर में क्यों नहीं करते हैं आप? हमसे नाराज़ हैं या फिर और कोई वजह है? है ना? तो कमेंट इस बार ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा, है ना। हमने आपसे कुछ राय भी मांगी थी, आपने वो भी हमसे नहीं दी। और राय हमने आपसे फोर्थ पार्ट में मांगी थी, है ना, वो भी आपने हमको नहीं दी। चलिए, कोई बात नहीं। तो दोस्तों, आज हम एक्शन सेटिंग को ओपन करने वाले हैं कमेंट्री स्क्रीन रीडर के, है ना। एक्शन सेटिंग के बारे में जानेंगे आज हम, है ना। पूरी तरह से तो नहीं, बस उसमें के दो फीचर्स जो मैन हैं वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ, और आगे भी उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर और मैं चलूँगा अपने जीशू में। डायरेक्ट मेन्यू बनाता हूँ मैं। मेन मेन्यू, प्रोग्राम सेटिंग्स, प्रोग्राम सेटिंग में चलेंगे हम। और जीशू ओ प्लस, अब मैं यहाँ पर एक्शन सेटिंग को ओपन करूँगा। ऑपरेशंस, रीडिंग ऑपरेशन सेटिंग्स। तो दोस्तों, इसको कुछ जीशू ऑपरेशन सेटिंग्स बोलते हैं और कुछ जीशू एक्शन सेटिंग बोलते हैं, ना। तो इसमें बात एक ही है ना, तो इसको मैं ओपन करूँगा। ऑपरेशन सेटिंग्स, इसको मैंने ओपन किया। अब मैं यहाँ से राइट स्वाइप करूँगा। नेविगेट अप, ऑपरेशन जेस्चर स्कीम डिफॉल्ट। देखिए, जेस्चर थीम्स डिफॉल्ट है ना, इसको डिफॉल्ट ही रहने देंगे। जेस्चर स्कीम सेट, जेस्चर स्कीम, जेस्चर डिफॉल्ट, जेस्चर स्कीम सेटिंग्स। ये डिफॉल्ट जेस्चर थीम सेटिंग है ना, ये वही है जो मैंने आपको पहले बताया था, है ना, कस्टम जेस्चर्स के बारे में, ये वही है। जेस्चर स्कीम डिस्क्रिप्शन, ये यहाँ से आप डिस्क्रिप्शन जान सकते हैं जो आपने जेस्चर सेट करके रखे हैं। और हम राइट चलेंगे। जेस्चर स्कीम सेटिंग्स, ये देखिए, जेस्चर थीम सेटिंग, ये आज का हमारा ये। और पर एप्लीकेशन जेस्चर स्कीम एक्सेसिबिलिटी, पर एप्लीकेशन जेस्चर थीम सेटिंग्स के बारे में आज हम जानेंगे, है ना। तो अभी हम ओपन करेंगे जेस्चर स्कीम सेटिंग्स, इसको हम ओपन करेंगे यहाँ पर जेस्चर स्कीम सेटिंग्स। तो देखिए, यहाँ पर वो सारे शो करेगा जितने आपने जेस्चर डाउनलोड करके रखे होंगे। जैसे कि मैंने अभी यहाँ पर व्हाट्सएप डाउनलोड करके रखा हुआ है ना, सिर्फ व्हाट्सएप का जेस्चर मैंने कर रखा है। और यहाँ से आप क्रिएट भी कर सकते हैं। So, यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। Create a new per application gesture scheme button. यहाँ से आप क्रिएट न्यू कर सकते हैं ना, और यहाँ से आप Create a new gesture scheme button. यहाँ से आप इसको क्रिएट कर सकते हैं ना। तो यहाँ से मैं बैक करूँगा। Navigate up button. तो यहाँ से मैं बैक Operation settings. और अब मान लीजिए, जैसे कि आपने WhatsApp को डाउनलोड किया है ना, और आपको व्हाट्सएप में कुछ रखना है, तो आप कैसे रख सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। अपने जेस्चर में आएंगे, और उसके बाद आपको अप जेस्चर में रखना है, या डाउन, स्वाइप राइट, लेफ्ट एंड राइट जेस्चर, लेफ्ट एंड राइट है, तो इसमें भी आप रख सकते हैं राइट एंड लेफ्ट जेस्चर डिफॉल्ट है ना। तो हम किसी एक में क्लिक करेंगे, फंक्शन में जाएंगे हम, और यहाँ पे हमको वो सभी जेस्चर्स मिल जाते हैं जो मैंने आपको कस्टम जेस्चर्स में दिखाए थे ना। Select navig, previous element, next element type. अब देखिए, जैसे कि आप मान लीजिए स्वाइप लेफ्ट देन राइट पे रखेंगे, previous next element type, next element type है ना। तो आप जैसे ही अपने व्हाट्सएप को ओपन करेंगे और आप स्वाइप अपने जेस्चर पर फॉर्म करेंगे, स्वाइप लेफ्ट देन राइट पे, तो आप यहाँ पर नेक्स्ट एलिमेंट टाइप पर आप पहुँच जाएंगे ना। तो यही है, मैंने अभी करंट टाइम रखा हुआ है, मैं कैंसिल करूँगा, वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं करेंगे, है ना। तो इसमें आप जो जिसमें रखना चाहें वो रख सकते हैं। तो यहाँ से बैक करेंगे,
और मोर ऑप्शंस में वही है जो मैंने आपको पहले बताया था ना, बैक करेंगे ऑपरेशन सेटिंग्स सॉरी, और अब हम पर एप्लीकेशन जेस्चर स्कीम अलाउज टू सेलेक्ट एनी पर एप्लीकेशन जेस्चर स्कीम टू बी यूज्ड। तो ये है दोस्तों, देखिए पर एप्लीकेशन जेस्चर थीम्स, तो इसमें क्या है, जैसे कि आपने व्हाट्सएप अभी ये जेस्चर थीम सेटिंग्स में डाउनलोड किया है, तो उसमें आपने जो जेस्चर रखा है और आप चाहते हैं कि आप व्हाट्सएप में हो और वो जेस्चर्स काम करे जो आपने रखा है, तो आपको पर एप्लीकेशन जेस्चर थीम से उसको टिक कर लेना है। जैसे कि देखेंगे पर एप्लीकेशन ऑपरेशन सेटिंग्स पर एप्लीकेशन व्हाट्सएप अनचेक, ये देखिए व्हाट्सएप अनचेक है ना, तो इसको हम चेक कर लेंगे यहाँ से है ना, ओके बटन और ओके कर देंगे यहाँ से। अब देखिए क्या है, अब जैसे भी हम अपने व्हाट्सएप में होंगे है ना, तो जैसे ही हम स्वाइप लेफ्ट देन राइट करेंगे तो हमको टाइम बता देगा हमारा फोन। मैं आपको प्रैक्टिकल भी दे देता हूँ, ये देखिए मैं अपने व्हाट्सएप को मैंने यहाँ पर ओपन किया और देखिए अब देखिए मैं अपने जेस्चर पे परफॉर्म करूँगा, 8:02 PM ये देखिए टाइम बता दिया है ना। तो बेसिकली आज की इतनी ही वीडियो थी है ना, आज की वीडियो में इतना ही हम जानने वाले थे और आगे इसके बारे में वीडियो बहुत जल्द मैं लेकर के आऊँगा है ना। उम्मीद करेंगे आपने इस वीडियो से ज़रूर ही कुछ ना कुछ सीखा होगा। ओके, थैंक यू सो मच।